पसती उसकी किस्मत है जो मेहनत से घबराता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी। मेहनत चांद सितारे जुगनू, मेहनत दीपक बाती, रस्ते की एक एक ठोकर हमको है ये समझाती। मंजिल जिसको पग पग ढूंढे वो किस्मत का विधाता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी बुलंदी। मुश्ताक मियां को तो उसकी संगत ने चौपट कर दिया। देखें अब बहु संभाल ले तो अच्छा है। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया? देख ना, वहीदा की हालत अच्छी नहीं है, उसके मर्द का चाल चलन भी ठीक नहीं है। तो यहाँ खुश है ना? जी अब्बा। फिर वहीदा बेचारी क्या करे? हाँ वो क्या करे, अपना घर उजाड़ के यहाँ आ बैठी है। उस टाइम मुश्ताक पढ़ लेता तो कुछ बन गया होता। कोशिश तो की थी भाई जान ने, मुसीबत तो बनकर आ ही गई हूँ ना। तुम आते हो तो मुझे कितनी खुशी होती है, लगता है मायके से कोई आ गया। ये 10,000 रुपए ले, उसको दे, जल्दी से काम शुरू कराओ। एक महीने के अंदर दूसरा ऑर्डर भी हाथ आता हूँ। पैसा भी एडवांस आ चुका है, एक महीने में 5 कालीन तैयार करके देने हैं। बस शुक्रिया ही तो अदा कर सकता हूँ मैं, सचमुच इतने सारे नोट जिंदगी में पहली बार देखे हैं मैंने। मेहरू मेहरू कहाँ है मेहरू? नोची खा गई या जिन्नात ले गया? जिन्नात? हाँ हाँ हो सकता है जिन्नात ले गया हो, उसी ने यहाँ पैसे रखे हो फिर ले गया। हाय अल्लाह, इस घर पे जिन्नात का साया है। हाय जल्दी से जिन्नात दुआई पे लाके डाल दो, जल्दी से जिन्नात दुआई पे लाके डाल दो। अरे रुको, मैं मुश्ताक हूँ, रुकना। ए मैं ये ले ना भाई जान आप। हाँ ये ले, ये सब तुम लोगों के लिए एडवांस है कालीन बनाने का, फूल सिंह ने दिया है। लेकिन अब्बा ये कह रही थी घर में जिन्नात का साया है, भागो। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अरे चुप कर। हाँ हाँ हंसो हंसो, हमारी जगह तुम होते ना तब पता चलता। याद नहीं बचपन में चीटा देकर कैसे चिल्ला उठते थे, और कहीं चिपकली दिख गई तो अम्मा की गोद में जा बैठते थे। भाभी ये हम पे आज हंस रहे हैं।
अबे बेवकूफ, ऐसा मजाक नहीं करते। और अगर कहीं कोई कमजोर दिल का हुआ ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर बेटा मजाक की भी एक हद होती है। लेकिन अब्बा एक बात तो है ना, हम बरसों बाद एक साथ हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है अब्बा। हाँ बेटा, खुदा नजरे बस से बचाए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए दौलत को होना कितना जरूरी है। खैर, खुदा खैर करे मेरे बच्चों पर। लेकिन बेटा, इतने पैसों में 5 कालीन, इसमें तो हमारा मेहनताना भी मुश्किल से निकल पाएगा। हाँ अब्बा, लेकिन हमारे अच्छे दिन धीरे धीरे आ ही जाएंगे। फूल सिंह ने कहा है कि अब की बार वो ज्यादा पैसा देगा। हाँ बेटा, हमारे अच्छे दिन आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, बस तुम दिल लगाकर मेहनत करो। देखो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, हम कल ही काम में जुट जाएंगे। कल 26 बारात है, न्यास के बाद हम बिस्मिल्लाह कह के काम में लग जाएंगे। हैं? हाँ अब्बा। लेकिन अब्बा, आप ज्यादा काम नहीं करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, हम लोग हैं ना। हाँ मेरी दादी अम्मा, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जाके पहले देख अम्मी ने खाना बनाया कि नहीं, पेट में चूहे कूद रहे। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, जब देखो डांटती रहती है। बस बेटा, मेहनत कर, अच्छे दिन आएंगे। अब्बा अच्छा करेगा। जा रही है, थोड़ा आराम कर लो। अरे मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, आज तक कभी मेरी सुनी है जो बुढ़ापे में सुनोगे? हमेशा अपनी ही मनमानी। अबू जरा हल्का ही रहने दो वो रंग, चारों ओरों की गुलाई में और किनारों में अच्छा लग रहा है। अरे बिटिया, तेरा सर अच्छा लगेगा है? देख, मैं तो चटक रंग ही भरूंगा। अबू, मगर अमेरिका में तो हल्के रंगों का चलन ज्यादा है, उन्हें वही पसंद है। ऐसा करना, तू और तेरा भाई मिलके हल्के रंग भर लेना, मैं तो गांव वाले चटक रंग ही भरूंगा। अब उठ भी जाओ, मान लो मेरी बात, थोड़ा सुस्ता लो, मुश्ताक आता ही होगा, वही बैठ जाएगा यहाँ पर। अरे कुछ नहीं है, ये तो खांसी है, देखो ये तो अब कब्र तक ही जाएगी। चुप ही करो, जब देखो तब अनाशनाप, जब देखो तब अनाशनाप। अरे बेगम नाराज क्यों हो रही है? देख लेना, मैं तुम्हारे बाद ही ऊपर जाऊंगा। हाँ देखो, एक तो इतना काम है, और ऊपर से मनसुख भाई के भतीजे ने वक्त भी बहुत कम दिया है, एक भी कालीन पूरा नहीं हुआ है। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ। तुम अपना जी हल्का मत करो। हाँ। न दवाई असर करती है, न आराम करोगे, न ढंग की खुराक मिलती है। मेरी बात मान लो जी, थोड़ी देर सुस्ता लो, थोड़ा लेट लो। अरे सब ठीक है। चलो, तुम नहीं सुनोगे, चलो। अरे अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं है। अरे तुम चलो, ऐसी हो रहा, मेरी सुनोगे नहीं। अरे मेरी बात सुनो,
जब तक मुश्ताक नहीं आता मैं यहाँ लगा रहता हूँ। हाँ, मेरी कोई सुनेगा तब ना। अरे सुनो, अब तुम्हें तो मालूम है हमारे बच्चे की तकदीर इससे जुड़ी हुई है। चलो मैं ये थोड़ा काम कर लेता हूँ, तुम खाना वाना बनाओ। चलो आराम कर लो थोड़ा। मैं आता हूँ, नाराज मत हो जा। कभी किसी ने नहीं सुना, जिंदगी भर खपते रहो। अब्बा समझते क्यों नहीं, अगर ज्यादा बीमार पड़ गए तो क्या होगा? भाईजान को जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है उसका क्या होगा? और आप जैसा हाथों का जादू किस में है? अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। मैं देख रहा हूँ मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी दुखों में तप कर कितनी बड़ी हो गई। क्या आज अपने बाप को बच्चे की तरह बहला रही है। माफ करना बेटी, मैं तेरी तकदीर नहीं बदल सका, लेकिन आज मुश्ताक की तकदीर बदलने का मौका मिला है। मैं गंवाना नहीं चाहता, मुझे काम करने दो। मैंने तुम लोगों को बहुत फाका मस्ती की जिंदगी दी है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मेरे मुश्ताक का बेटा ऐसी जिंदगी जिए। अब्बा, आपने अपनी लगन और दुआएं हमें दी हैं, आपने मेहनत करके हमें रोटी खिलाई है, फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अरे मैं तो अच्छा, आप तू आ गया तो काठी पे बैठ मेरे साथ। नहीं अब्बा, आज नहीं, आप अंदर चलकर खाना खा लीजिए। उठिए। अरे चलता हूँ। देखो भैया कैसे माँ बेटों की ये साजिश है मुझे यहाँ से उठाने की। वो खुद तो उठा नहीं पाई और बेटे को भेज दिया। चलिए उठिए। अरे भाई उठाओ। अरे भाई इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं। हाँ तेरी माँ बूढ़ी हो गई है। चलो भाई चलो, आओ खाना खा लो। आओ चलो। नहीं अबू, आज मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा आपकी। आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। बेटा मेरी सेहत को हुआ क्या? हाँ क्या हुआ है? अब आप यहाँ आराम कीजिए। वो कालीन तो बनना है, तेरी तरक्की का सवाल है। तरक्की तुम तो चुपचाप बस आराम करो, दवाई खा लो। जा बेटा ताखी पे दवाई रखी है ले आ। सकीना तुम बहुत मनमानी करती हो, सारी जिंदगी मनमानी करती आई हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सारी जिंदगी से जैसे इस घर में मेरी ही चलती आई है, मगर आज तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ला बेटा। ये लो। ये लो। आराम से। लो भाई, दवाई तो पी ली, अब मैं काठी पे जाके बैठ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ लेटकर आराम करो, मुश्ताक के साथ काठी पर मैं चले जाती हूँ। नहीं अम्मी, आप अब्बू के पास बैठिए, वहीदा और मेहरू मेरी मदद को आ जाएंगी। बैठिए आप। ठीक है तू जा। अरे भाई तुम बहुत ही जिद करती हो। देखो इस उम्र में थोड़ा आराम करना चाहिए, नाते पोतियों की निकाह देखनी है कि नहीं तुम्हें? अरे भाई वो तो देखना है, उसके लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, अभी तो मुझे अपने मुश्ताक की तरक्की देखनी है। देखो अगर काम नहीं किया वक्त पे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर कैंसिल हो गया तो वो डॉक्यूमेंट नहीं आएगा और फिर माल तो सारा सारा खराब हो जाएगा। देखो मुझे जाना है, काम करना है मुझे। मेरी कसम आज जिद ना करो। देखो मुझे कसम मत खिलाओ, मुझे जाना है। संभाल के, क्या हुआ? अल्लाह ध्यान से ले जाओ। कुछ नहीं सकीना, मैं ना कहती थी ध्यान रखो अपना। अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा चक्कर सा आ गया था। नहीं जिद करते हो। आज तुमने पहली बार जिंदगी में सही बात कही। रहने दो, मैं तो हमेशा सही सलाह ही देती हूँ, मगर तुमने कभी नहीं समझी।
अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं। ज्योति दीदी आ जाती तो उन्हें तसल्ली हो जाती। अब शहर से आते ही आएगी ना, सब कुछ छोड़ के भाग के तो नहीं आ सकती वो। फूल भाईजान के पास दो दो मोटरें हैं, आ जाएगी। वैसे तुमने बता दिया था ना कि अब्बा जान का बुखार 15 दिन से नहीं उतर रहा। हाँ बता दिया था, तभी तो दवाई भी आ गई। अब देख उसे कुछ जरूरी काम आ गया होगा। ज्योति दीदी जी तो कोई डर ही नहीं था, फूल भाई जान ही जबरदस्ती उन्हें शहर ले गए, वरना कोई तो था इस वक्त जरूरत के लिए। देख मेरे, फुलुआ का काम बहुत बढ़ गया है, सारे इलाके के बुनकर उसे ही कालीन देने लगे हैं। अब उसका दफ्तर ही 2 मंजिल का है, दूसरे देशों में भी आने जाने लगा है, ऐसे में वो यहाँ कैसे रहेगा सोच। अल्लाह ज्योति दीदी के शोहर को बहुत दे, पर वो तुम्हारा भी तो दोस्त है। उसने ये दफ्तर दोस्ती निभाने के लिए नहीं खोल रखा है, वो धंधा कर रहा है, धंधा। भाईजान भाईजान, फूल भाईजान और उनके साथ बाहर कोई आया है। ठीक है मैं देखता हूँ। क्या भाभी अकेले अकेले हमें नहीं चाय पिलाओगी? देती हूँ। फूल सिंह सलाम। सलाम भाई। सलाम मंसूबानी साहब। सलाम सलाम। ज्योति नहीं आई? वो बंबई गई है किसी ट्रेनिंग पर। क्यों, सब ठीक तो है ना? नहीं, अब्बा का बुखार 15 दिन से नहीं उतर रहा है, अम्मा ज्योति के इंतजार में थी। मतलब 15 दिन से कोई काम नहीं हुआ है? ओह नो, आप घर की हालत देख ही रहे हैं, अब्बा को भी होश नहीं है। पर ऑर्डर का क्या होगा, तुम तो होश में हो। मैं अकेला हूँ साहब, 5 कालीन तैयार करने में कम से कम 15 दिन और लगेंगे, पर हो जाएंगे। 15 दिन? यार विलियमसन को ऑर्डर इसी हफ्ते में चाहिए, मुझे जाना है, मेरी टिकट तैयार है। फूल ये सारी गड़बड़ तेरे चक्कर में हुई है, रंग देखो डिजाइन देखो। यार रवि तू समझ रहा ना, बीमारी है मजबूरी है, और तू उस गोरे को फोन कर दे यार। यार कॉन्ट्रैक्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट है, पर ये बात तुम देहातियों के समझ में आने वाली नहीं। चुप चुप। क्या चुप यार, 4 लाख रुपया निकल जाएगा हाथ से इस बीमारी के चक्कर में। 4 लाख रुपया कैश दे रहा है वो भी डॉलर्स में। मुश्ताक मैं अभी आता हूँ यार। पागल है तू? 4 लाख रुपया? पर मुझे तो ये लोग 20,000 रुपये ही दे रहे हैं 5 कालीन के लिए। 4 लाख रुपया? फूल सिंह भी? ये धोखा है, सरासर धोखा है ये। फूल सिंह ये धोखा है। अपनी जान जला रहे हो, उनकी नेकी बदी उनके साथ। फिर ज्योति दीदी तो बुरी नहीं है ना, तो छोड़ो। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? अरे ये बिचौलिए हम लोगों से लाखों रुपया लूटते हैं, सभी लूटते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन लेकिन इतना बड़ा धोखा, मेरा दोस्त, कहां 20,000 रुपये और कहां 4 लाख रुपये। मैं तो सोच भी नहीं सकता था अगर ये भेद नहीं खुलता तो। हमारी मेहनत के बूते पर लाखों रुपया लूटते हैं ये लोग। मेरे हाथ के गट्ठों की, अब्बा की खांसी की, हमी और वहीदा के बनाए नमूनों की कीमत लाखों रुपया है बाजार में, पर हमें क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। अरे तीज त्योहारों में दूसरों के घरों से उड़ती खुशबू को सूंघ कर गुजारा किया है आज तक हमने। दोस्त बनता है मेरा वो, क्या उसको मालूम नहीं है हमारे घर की हालत? मेरे अब्बा बगैर दवाई के मर जाएंगे। मरते हैं तो मर जाए उसकी बला से, उसको तो अपना ऑर्डर पूरा करना है। ऐसी दोस्ती पर मेहरू, ए मेहरू, तू क्यों रोने लगी? अपने नसीब ही खराब है, रोने तो और क्या करूं। हाँ तुम औरतें कम से कम खुल के रो तो सकती हो, पर हम मर्द
खुल के अपनी भड़ास भी नहीं। ज्योति दीदी अब तुम्हें कुछ समझाओ इन्हें, 3 दिन से चुप्पी मार के बैठे हैं, अब देखो तुमसे भी कुछ नहीं कह रहे। मेरू, ज्योति का इस किस्से से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसमें वो कुछ कर सकती है। सुन तो सकती हूँ ना, तुमसे कुछ लेना देना है या वो भी नहीं है। मेरू, इसे अम्मा के पास ले जाओ, नहीं तो उसे तसल्ली नहीं होगी कि बुखार टूटा या नहीं। पहले बताओ तब जाऊंगी। ये क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? तो क्या बूढ़ी है? बात करो। अरे जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी अंदर जाऊंगी, वैसे भी मैं तुमसे मिलने तो आई नहीं, मौसी ने बुलाया इसीलिए आई हूँ। तो जाओ ना मौसी के पास, रोका किसने? और वैसे भी तुम्हारा इस किस्से से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है तब तो ये किस्सा भाई मैं सुन के जाऊंगी। बड़ी जिद्दी हो तुम। तुमसे ज्यादा नहीं। तो सुनो, तुम्हारा वो मियाँ मेरे बचपन का दोस्त फुलवा फूल सिंह धोखेबाज है, चोर है चोर। वैसे तो मुझे अपने पति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहिए, लेकिन तुम अपने दोस्त के बारे में कह रहे हो तो सुन सकती हूँ। तो सुनो, वो और रवि दोनों मिलकर मुझे लूट रहे। वो कैसे? अभी इस बार 5 कालीन का 20,000 रुपया तय करके गए थे और अब सुना है अमेरिका में वो 4 लाख में बिकेंगे। अब्बा की बीमारी की वजह से कालीन तैयार नहीं हुए तो वो दोनों लड़ने लगे और सच्चाई बाहर आ गई। छुट्टी देख, डायन भी 7 घर छोड़ देती है कम से कम। मुश्ताक, दुनिया में व्यापार ऐसे ही होता है, जो मेहनत करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता और जो दिमाग लड़ाते हैं वो ऊपर की मलाई खा जाते हैं। यानी कि मेरे पास दिमाग नहीं है? अरे मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो चलाने की बात कही। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें स्कूल में सबसे पहले मॉनिटर बनाया गया था ना? हाँ, पर वो पुरानी और बेकार बात है। वो बेकार बात नहीं है, फर्क सिर्फ पढ़ाई का है। वो पढ़े लिखे हैं इसलिए दुनिया में अपना सौदा व्यापार कर सकते हैं, अपने नफे नुकसान की बात कर सकते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ? अरे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तुम्हारे चचा जान पढ़ाते हैं ना गांव में? हाँ। तो उनसे मिलो जाके। और जाकर बच्चों की कतार में बैठ जाऊँ? अरे मिल तो लो। उससे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना सही, हो भी सकता है। चले जाना। ठीक है, तुम दोनों कहती हो तो चला जाता हूँ। क्या जमाना आ गया है, बूढ़े तोते भी पढ़ने जाएंगे। बूढ़े तोता जी, अब जाइए तशरीफ ले जाइए और कुछ करके आइए। अभी? हाँ अभी इसी वक्त। ठीक है जाता हूँ। मैं मौसा जी को देख लेती हूँ और मौसी को भी देख लेती हूँ। अजीज और अजहर कैसे हैं? और आप कैसी हैं मलिका आलिया? ये सब तुम्हारी ही गलती है, इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। चाचा फिर से वही बात ना दोहराए। बात तो दोहरानी पड़ेगी बेटे। फूल सिंह तो पड़ा था, फिर वो चोर क्यों बना? मत बनने दो, अपने कालीन खुद बेचो। हाँ, बिचौलियों को पैसे नहीं जाएंगे। तुम फूल सिंह की बात करते हो, वो तो व्यापार का धर्म निभा रहा है। याद है तुम्हें मनसुखानी वाली बात, एक टेलीग्राम ना पढ़ पाने की वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, और उसके बाद तुम्हारे बाप ने पता नहीं कितने बड़े बड़े नुकसान उठाए। चाचा ये सरासर धोखा है। धोखा नहीं है बेटे, ये लड़ाई उन्हीं के हथियार से लड़नी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें अपना व्यापार शुरू करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है पढ़ाई। पर अब क्या हो सकता है? देखो, कालीन का व्यापार विदेशों के साथ होता है, उसके लिए आयात निर्यात की जानकारी जरूरी है। उस सब के बारे में तो तुम सोच ही नहीं सकते हो। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही लूटता रहूंगा? नहीं बेटे, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। कैसे? मेरी तरफ देखो, 40 साल में बच्चों को पढ़ा रहा था, अब रिटायर हो गया, मेरे पास समय ही समय है, इसलिए मैंने बड़ों को पढ़ाना शुरू कर दिया। चाचा वो लोग पढ़ते हैं? हाँ बेटे पढ़ते हैं, बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं, बड़ों का दिमाग खत्म नहीं हो जाता। इसका मतलब मैं भी? हाँ, तुम इस गांव के सबसे बड़े मूर्ख तो नहीं हो ना? अच्छा, बरसों से हमारी जिंदगी अंधेरे में बसी हुई थी, हमने इस दलदल से कभी निकलने की कोशिश नहीं की, उल्टा इसमें धंसते ही गए हम। कोई बात नहीं बेटे,
अब उठकर खड़े हो जाओ। अब जब तुम्हें जरूरत है तो दूसरा रास्ता भी तैयार है, उस पर चलकर देखो, तुम्हारी शख्सियत ही बदल जाएगी। चचा आप साथ रहेंगे ना? बेटे मैं तो कब से बाहें फैलाए खड़ा हूं, तुम ही हमेशा मेरा हाथ थामते थामते रह जाते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, कल से आना शुरू कर दो। मैं भी व्यापार की कुछ पुस्तकें पढ़ लूंगा, जानकारी बढ़ा लूंगा और हम मिलकर ये जंग जीत लेंगे। बेटे मुझे एक बार फिर उस भूल के लिए माफ कीजिएगा। माफी कैसी बेटे, माफी की बात मत करो, तुम तो इतने अरसे से सजा ही भुगत रहे हो बेटे, मेरी माफी कैसी। अच्छा हुआ ज्योति जो तुम आ गई, मेरा तो जी ही बैठा जा रहा था। क्यों? भाईजान भी घबराए हुए थे, कब से चुप्पी लगाकर बैठे हैं। वैसे अब अबू का बुखार नहीं है। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा फूल भाईजान के शहर चले जाने से भाईजान बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। देखो ना रोटी बन रही है, न जाने कहाँ चले गए हैं। शायद राम प्रसाद जी के यहाँ निकल गया होगा। तुम इतनी दूर से आई हो और उन्हें इसी वक्त जाना था। अरे भाई कोई खास काम होगा, आ जाएगा ना। मगर तुम गर्मा गर्म खा के जाना, भाभी पका रही है। क्या हाल है मेहरू के? जब से तुमने ऑपरेशन करवा दिया है रूठती भी नहीं है, बच्चों का भी ध्यान रखती है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मानूंगी तो कहोगी नहीं क्या? कहूंगी तो जरूर, मेरे अस्पताल में एक सेंटर भी है, वहाँ हाथ का बना काम रखते हैं। काम क्या है? अरे बहुत ही आसान है, देखो मैं तुम लोगों के लिए साड़ियों और दुपट्टों का कपड़ा ले आया करूंगी, तुम और मौसी मिलके कढ़ाई कर दिया करना, मैं ले भी जाया करूंगी। तुमने कह दिया, हो गया, अब क्या निकाह पढ़वाओगी? भाईजान से पूछ ले, अब्बू नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे तुम कुछ मत कह देना, मैं अपने आप समझा लूंगी। ज्योति तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। माँ के जाने के बाद तुम लोग ही तो मेरे अपने बचे हो। भाईजान आज पढ़ लिए होते तो जाने क्या से क्या हो सकता था। अब भी कुछ देर नहीं हुई है, उसने चोट खाई है ना, लड़ाई समझकर फतेह कर सकता है। हर इंसान का फर्ज है ये मेहनत से जीन चुराए, मेहनत कश अपने कदमों पर सूरज को भी झुकाए। आंधी और तूफान में भी जो ज्ञान का दीप जलाता है, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है, बुलंदी।